हाय फ्रेंड्स, मैं अमिता एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लिव योर फुलेस्ट विद अमिता। फ्रेंड्स, आज का मेरा वीडियो बेस्ड है स्किन केयर पे। तो स्किन केयर इंटरनल एंड एक्सटर्नल दोनों तरह से करनी होती है, तभी हमारी स्किन हमेशा हेल्दी रह सकती है। तो इंटरनल केयर में आता है कि हमारा खाना पीना, और एक्सटर्नल केयर में आता है कि हम उस पर क्या अप्लाई करते हैं, हमारा स्किन रूटीन क्या है, स्किन केयर रूटीन क्या है। इंटरनली जब स्किन हाइड्रेटेड रहती है तब वो हमेशा हेल्दी दिखती है, कभी भी ड्राई स्किन हेल्दी नहीं दिखेगी, डल ही लगेगी। तो हाइड्रेटेड रखने के लिए हमें प्लेंटी ऑफ वाटर का इंटेक करना चाहिए, बहुत सारा पानी पीना चाहिए। अपने वेट के अकॉर्डिंग हमें 3 से 4 लीटर पानी एक दिन में पी लेना चाहिए। और दूसरी चीज़ ये है कि हमें खाना अच्छा खाना चाहिए। अच्छा खाना क्या होता है, खाने के बारे में मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था। तो हमें जंक फूड नहीं खाने, फ्राइड नहीं खाने, शुगर का इंटेक बहुत ज़्यादा नहीं करना है, और पैकेज्ड फूड नहीं खाने हैं। खाना क्या है, अच्छे अच्छे खाने जो न्यूट्रिशन दें, हेल्दी फूड हो, जैसे विटामिन सी रिच फूड, ओमेगा 3 फैटी एसिड रिच फूड एंड कोलेजन रिच फूड। कोलेजन ड्रिंक भी मैंने एक बताई थी जो स्किन के लिए, हमारी बॉडी की हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल होती है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। इंटरनल केयर के साथ साथ में हमें एक्सटर्नली स्किन को हेल्दी बनाए रखना चाहिए। उसके लिए दो चीज़ें होती हैं, एक तो एक्सफोलिएशन टाइम टू टाइम, और दूसरा होता है मसाज। एक्सफोलिएशन से क्या होता है कि हमारी डेड स्किन सेल्स निकल जाती हैं और अंदर से बेबी स्किन उभर के आ जाती है। तो इसको हम वीकली स्किन रूटीन में रख सकते हैं एक्सफोलिएशन को। तो इसके लिए हम कोई भी घर का बना हुआ उबटन, स्क्रब, ये सब यूज कर सकते हैं, या पार्लर जाके करवा सकते हैं हम फेशियल। और नेक्स्ट है मसाज। मसाज से क्या होता है कि सर्कुलेशन बढ़ जाता है, और सर्कुलेशन की वजह से हमारी स्किन जो है हेल्दी दिखती है। देखो हुआ वीकली स्किन केयर रूटीन। नेक्स्ट है डेली स्किन केयर रूटीन, जो मैंने अभी फॉलो करना स्टार्ट किया है। मैं क्या करती हूँ कि डे एंड नाइट केयर दोनों करती हूँ। डे स्किन केयर में आता है फेस वॉश। फेस वॉश अच्छे से अप्लाई करना होता है, उसका भी वीडियो मैंने दिया है और मैं उसका लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। नेक्स्ट है टोनिंग। जो भी पोर्स खुले होते हैं वो टोनर की वजह से बंद हो जाते हैं, और जब आपके पोर्स बंद होते हैं तो आपकी स्किन ग्लॉसी लगती है। नेक्स्ट होता है सनब्लॉक अप्लाई करना। सनब्लॉक अप्लाई करके रखना चाहिए, आप चाहे बाहर जा रहे हैं या घर पे हैं, ये बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट डालता है स्किन पे। और मॉइस्चराइज रखना चाहिए स्किन को हमेशा। मॉइस्चराइज रहने की वजह से हमारी स्किन हमेशा हेल्दी और फ्रेश दिखाई देती है। नेक्स्ट है नाइट केयर रूटीन। उसमें मेरा फिर वही फेस वॉश, देन नाइट क्रीम अप्लाई करना होता है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, आप ले सकते हैं, तो सीरम लीजिए। सीरम का इफेक्ट बहुत ही ज़बरदस्त आता है, रात में हमारी स्किन को आराम मिलता है, और उस टाइम पे वो अपने आप को रिपेयर करने में लगी रहती है। तो सीरम उस टाइम पे बहुत ही अच्छा काम करता है। और कभी कभार आप कुछ भी मत करिए, मतलब जैसे हम बॉडी के लिए फास्टिंग करते हैं वैसे स्किन की भी फास्टिंग करवानी चाहिए, मतलब ऐसे ही छोड़ देना चाहिए स्किन को। बहुत अगर मन हो तो रोज़ वाटर अप्लाई कर सकते हैं। ये थे कुछ डूज एंड डोंट्स जिनको आप प्रैक्टिस में ला के अपनी स्किन को हमेशा हेल्दी रख सकते हैं। मैंने अभी स्टार्ट किया है ये सब अप्लाई करने, इसलिए मैंने सोचा कि इस पर एक वीडियो बनाती हूँ, शायद मैं आपकी थोड़ी सी कहीं पे हेल्प कर पाऊँ। तो अगर मेरा वीडियो आपको जरा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा, और अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए बाय।